सिंगरौली जिले में रात्रि के समय दुर्घटना से बचने के लिए आवारा पशुओं के गले में रेडियम का बेल्ट लगाया गया, जिसकी मदद से वाहन चालकों को यह पट्टियां चमकती हुई दिख जाएंगी, जिससे वाहन चालक सतर्क हो जाएंगे और दुर्घटना की संभावना कम हो जाएगी। यातायात पुलिस और नगर निगम की टीम ने सिंगरौली शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट लगाया है, जिससे रात्रि में सड़क दुर्घटनाओं को टाला जा सके। नगर निगम आयुक्त दया किशन शर्मा ने बताया कि इस तरह की कार्यवाही सिंगरौली शहर में यातायात पुलिस के साथ मिलकर की जा रही है, जो कि आगे भी जारी रहेगी। आवारा पशुओं की वजह से आए दिन दोपहिया और चार पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिससे आम जनमानस को नुकसान होता है। इन रिफ्लेक्टिव बेल्ट की मदद से अचानक घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जो आवारा जानवर हैं, खास करके गाय जो रोड के ऊपर बैठती हैं और जिनके कारण अंधेरे में दुर्घटनाएं होती हैं, तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम के द्वारा कलेक्टर महोदय के आज के कुछ स्पेशल निर्देश थे, उन निर्देशों के तारतम्य में माजन मोड़ से लेकर के कोर्ट तिराहे तक रोड पर बैठी हुई जो गाय हैं उनके गले में रेडियम की पट्टी पहनाने का अभियान चलाया गया। उस अभियान का मूल उद्देश्य यह है कि रोड पर आए दिन जो आवारा जानवरों के कारण अंधेरे में दुर्घटनाएं होती हैं, वो दुर्घटनाएं ना हो, न तो जानवरों का कोई दुर्घटना के कारण नुकसान हो और न ही यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित हो। इस उद्देश्य से आज ये अभियान चलाया गया था और आगे भी इस अभियान के अंतर्गत रोड पर जो आवारा जानवर बैठते हैं उनको रेडियम पट्टी लगाने का, रेडियम के पट्टे गले में पहनाने का ये अभियान जारी रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से लोगों को और जानवरों को बचाया जा सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।